Assalamu alaikum. Jee, my name is Sayed Talib Hussain Jafri and today is our lecture number 5 and the topic name is Uniform Circular Motion. Uniform circular motion is basically the kind of a circular motion and its body moves around a circular path with a constant acceleration. Okay, if I'm talking about what is the meaning of uniform, यूनिफॉर्म मतलब आपके पास कोई भी चीज़ जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. क्या बोल रहा हूँ मैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. सर्कुलर मतलब इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में वो बॉडी मूव कर रही है. एंड हम जानते हैं मोशन का मतलब जब भी कोई बॉडी अपनी पोजिशन चेंज करे, तो मतलब इसके अंदर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. अच्छा, हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये हमने समझा. अब हम इसको ज़रा और इलेबोरेट करके समझते हैं कि क्या हम जानते हैं. अगर कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, हम नॉर्मली जानते हैं कि हमारे कराची के अंदर नॉर्मली जिसे हम लोग ग्राउंड अबाउट बोलते हैं वो एक सर्कुलर पाथ पे मोहित होता है. और हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ के अराउंड, तो ये इस तरह कहाँ की होती है, यहाँ पे चार रोड जा रहे होते हैं और ये हमारे पास एक किस्म की सर्कुलर पाथ है. और यहाँ पे कोई भी बॉडी जो है वो यहाँ, अगर सपोज यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुई, चलते 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 आपके पास बॉडी मूव कर रही कंटिन्यूसली, तो याद रखिएगा अगर वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे वो कौन से मोशन में भाई, यूनिफॉर्म मोशन में है. यूनिफॉर्म मोशन में किस तरह है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी डज नॉट चेंज. ओके, वेलोसिटी चेंज नहीं होती जब भी, अगर हम जानते हैं उस वेलोसिटी चेंज के साथ आपके पास जो पाथ है, जिस पाथ के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है, अगर वो सर्किल है, सर्कुलर पाथ है, तो हम बोलेंगे द बॉडी इज इन द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इट मीन व्हेन एवर बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी अराउंड एनी सर्कुलर पाथ, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन अ कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, नाउ लेट्स मूव कि अब हम जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि हमारे पास होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अच्छा, हम लोग एक बार बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, ये हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं छोटे स्टैंडर्ड में भी, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. अगर कोई बॉडी यहाँ मूव कर रही कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में, तो हमने उस मोशन को क्या बोला था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बट वन मोर थिंग, यहाँ पे हमने इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात भी कर रहा हूँ, साथ साथ एक्सेलरेशन की बात भी कर रहा हूँ. ये तो भाई एक अजीब बात कर दी मैंने अभी, इसका मतलब है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बॉडी के अंदर वेलोसिटी का चेंज आता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और अभी मैं अपनी बात से इनकार कर रहा हूँ कि यहाँ पे बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो सकता है. तो याद रखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन किस किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है. एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब प्रोड्यूस होगा जब आपकी बॉडी में वेलोसिटी का चेंज आएगा. तो यहाँ तो वेलोसिटी का चेंज आ ही नहीं रहा, बॉडी तो कौन से वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो याद रखिएगा वेलोसिटी तीन तरीकों से चेंज होती है, वेलोसिटी कैन बी चेंज इन थ्री वेज वेलोसिटी चेंज हो सकती है हमारी तीन तरीकों से. नंबर वन, पहला तरीका, बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड, हम उस बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं। सेकंड, बाय चेंज इन डायरेक्शन, हम उस बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। एंड द थर्ड वन इज बाय चेंज इन both magnitude and direction. तो अब यहाँ गौर से देखिए, वेलोसिटी चेंज हो सकती है तीन तरीकों से, बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड, बाय चेंज इन डायरेक्शन एंड द लास्ट वन इज बाय चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। या तो सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। व्हाट इज मीन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड? द चेंज इन मैग्नीट्यूड मीन्स इफ द वेलोसिटी इज हियर इज 2 meter per second, अगर राउंड पर बॉडी की वेलोसिटी 2 meter per second थी तो वो यहाँ पे पहुँच के 5 meter per second हो गई। लेकिन हमने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो एक तरीका समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास उस बॉडी की वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज आ जाए तो एक तरीके से वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। बाय चेंज इन डायरेक्शन, हाँ हम जानते हैं सर्कुलर पाथ में हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी चेंज होती है। अब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे बाय चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट मीन बॉडी के वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन बॉडी की मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों प्रोड्यूस हो जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी तीन तरीकों से चेंज होती है और जो सेकेंड तरीका है वो हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, कॉन्स्टेंट है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस होता है। आपके पास किसी भी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अराउंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है वो कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इन एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज सेड टू बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सही है भाई? और हम लोग उसको ए सी से शो करते हैं। अब याद रखिएगा, अब ये एक्सेलरेशन है तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला भी होगा। सही है? तो हम आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं कि अगर जैसे सपोज आप यहाँ पर थे, ये इस बॉडी का सेंटर पॉइंट था और आपकी बॉडी यहाँ पर थी, तो आप चलते चलते उस बॉडी यहाँ पे पहुंची होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका कोई ना कोई रेडियस होगा आर। सही है? और यहाँ पे इस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम उस वी को ले लेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा ए सी इज इक्वल टू, वो बन जाएगा वी स्क्वायर ओवर ऑफ आर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सही है? अब हम जानते हैं इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इसका यूनिट, क्योंकि एक्सेलरेशन है। और सेकेंडली हम एक बात जान गए कि
एक्सीलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं बल्कि डायरेक्शन के चेंज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। और ऐसे ही एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसकी एक डेफिनेशन और भी हो सकती है, वो ये कि द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी व्हेन इट इज मूव अराउंड अ सर्कुलर पाथ एंड मूव विद द कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड of velocity and this and the acceleration produced is called centripetal acceleration. Okay, अब हम आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज में, वीडियो पॉज करके।